नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ World पे। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2023 और आज हमने, जैसा कि मैंने आज दिन में ही कहा था कि आज मैं रात में 9 बजे आप लोगों के लिए होमवर्क डाल दूंगा 27 जुलाई के लिए, तो आज मैंने रात में 9 बजे होमवर्क डाला आप लोगों के लिए लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, मैंने लगभग दोनों में 5-5 पेज करके दिया है, मैंने टॉपिक भी बता दिया है, तो आप लोग यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्या होमवर्क मिला है कल के लिए वो आपको दिख जाएगा, या नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने उसको शेयर कर दिया है। तो आज से यानी कि 27 जुलाई 2023 से आप लोगों का बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। इस होमवर्क सीरीज में जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें अभी हम लोग दो बुक लेकर के चलेंगे, एक लूसेंट सब्जेक्टिव का और एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और दोनों बुक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लूसेंट के जीके का जो सब्जेक्टिव बुक है और ऑब्जेक्टिव बुक है, दोनों बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और दोनों को हम लोग 60 दिन में कवर करेंगे। 60 दिन ये दोनों करने के बाद उसके बाद का हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको 5-5 पेज करके, 5 पेज कभी 7 पेज कभी 6 पेज करके डेली करके हम लोग इसको 60 दिन में जब ख़त्म कर देंगे, यानी कि 2 महीना में, जिसमें कि आपका पूरा अगस्त और पूरा सेप्टेम्बर आपका इसमें जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको 3-3 दिन पर इसका टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपने क्या याद किया, आप क्या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारा 60 दिन पूरा हो जाएगा, यानी कि ये लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग घटना चक्र का जो पूरा अवलोकन है, इतिहास, भूगोल, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो सभी का हम लोग अलग अलग बुक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इतिहास से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद भूगोल, फिर पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर साइंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 60 दिन के बाद का जो स्ट्रेटजी होगा वो कैसा होगा, हम लोग अभी 5-5 पेज करके 10 पेज लूसेंट पढ़ रहे हैं, तो 60 दिन के बाद हम लोग 5 पेज एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लगभग 2-3 पेज सब्जेक्टिव में और 2-3 पेज ऑब्जेक्टिव में, लगभग 5-6 पेज डेली पढ़ेंगे लूसेंट का, और जो हमारा समय बचेगा वो डालेंगे जो पूरा अवलोकन है घटना चक्र का, उस पर समय देंगे। तो इससे होगा क्या कि लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी रिवाइज होता रहेगा और साथ ही साथ हम लोग का पूरा अवलोकन भी है वो भी हमारा ख़त्म होता रहेगा, और ये जो सीरीज है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका जो एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का वो नहीं आ जाए। ठीक है, तो आप लोग इस बार 100% निश्चिंत रहिए, इसमें आपको मैं बीच में छोड़ करके इस बार नहीं जाने वाला हूँ, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। पिछले बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण हमने बीच में बंद किया था, लेकिन फिर से हम स्टार्ट कर दिए हैं इसको अभी हम लोग चलाएंगे, और आप लोग बस सपोर्ट करिए। ठीक है, और आप लोग जुड़िएगा तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे, जितना ज़्यादा जुड़ पाएंगे उतना ज़्यादा ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूँ कि 1 अगस्त से बिहार पुलिस के लिए भी होमवर्क सीरीज आएगा, जिसमें हम लोग जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी सारा इसमें टॉपिक कवर करेंगे, और आपको डेली का होमवर्क मिलेगा, उसको आपको पढ़ना होगा, और डेली एक सेट प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, तो उसमें भी आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर। ठीक है, काफ़ी अच्छे ढंग से एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवाया जाएगा। ठीक है, और इस सीरीज का अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बोल दूँ कि जो बिहार SSC जो 3rd ग्रेजुएट लेवल का था, तो उसमें आप लोगों का कहना है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मेरा CGLPD का रिज़ल्ट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया है। मैंने एक वीडियो बनाया था
जो जब बिहार जो 68th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद 68th बीपीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद हमने एक वीडियो बनाया था प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद कि उसमें मेरा नहीं हुआ है। मैंने उसमें ये भी बताया था कि हम कहाँ पर गलती किए थे, मेरा कहाँ पर क्या कमी रह गई थी, तो किसके कारण रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ था, ये सब मैंने उसमें बताया था। और ये भी बताया था कि मैं इससे बहुत टेंशन में हूँ कि रिज़ल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को शायद कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने CGL के बारे में बताया था, लेकिन मैंने BPSC के बारे में वो बताया था। मैंने CGL के जैसे ही मेरा 29 मई को ट्रेनिंग ख़त्म हुआ था तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होगा उसके बाद मैं फिर से बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज स्टार्ट करूँगा। लेकिन जिस दिन ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो उसी दिन 30 तारीख को BSSC थर्ड सीजन का रिज़ल्ट आ गया, तो मेरा प्रीलिम्स में हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसमें मेंस में तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, 1.5 महीना का समय है, तो उसके मेंस में तैयारी में लग गए। तो मेंस का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद फिर से आप लोगों के लिए होमवर्क सीरीज आ चुका है। आप लोग जुड़े भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये होमवर्क सीरीज चलेगा, अगर तब तक आप जुड़े रहते हैं, तो आप किसी भी स्टूडेंट जो कि इस टाइप का होमवर्क सीरीज में नहीं जुड़ा हुआ है उससे आप लोग ज़रूर आगे रहेंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि डेली आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिएगा, और जो टेस्ट होगा उसमें आप लोग भाग लेते रहिएगा। ठीक है, और इसमें आपको GK साइंस करेंट आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मैथ रीजनिंग के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, लेकिन मेरा एक और यूट्यूब चैनल है और इस पर भी मैं मैथ और रीजनिंग और साइंस का वीडियो भी डालता रहूँगा बीच बीच में, आप उससे भी उसको पढ़ सकते हैं। एक सेट प्रैक्टिस डेली आपका होता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे आपके दोस्त जुड़ सकें इसमें और हमारा होमवर्क सीरीज सक्सेस की तरफ बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।